स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम SSC CSR 2019 का जीके प्रैक्टिस सेट 6, जिसके अंदर हम बात करेंगे SSC CSR के एग्जाम पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? इसके चार ऑप्शन है, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साह, दिनेश कार्तिक या फिर KL राहुल। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभ पंत 2019 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी फार्क इंजीनियर को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर होने की उपलब्धि हासिल की। फारूक ने 1967 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर के तौर पर सबसे अधिक 89 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यूरोपीय क्लब कियो की ओर से फुटबॉल खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी कौन था? इसके चार ऑप्शन है, मोहम्मद सलीम, वाइचुंग भूटिया, हरमित सिंह या फिर मिशेल चोपड़ा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद सलीम। किसी यूरोपीय क्लब कियो की ओर से फुटबॉल खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी मोहम्मद सलीम था। मोहम्मद सलीम की बात करें तो मोहम्मद सलीम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 में यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक FC की ओर से फुटबॉल खेला था। कुछ मैचों में खेलने के बाद इन्हें द इंडियन जगलर उपनाम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इसके चार ऑप्शन है, भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को, डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को या फिर धर्म निरपेक्षता को। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है तथा सरकार इसके अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में DNA का विस्तृत रूप क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। DNA की बात करें तो DNA का विस्तृत रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये विज्ञान जीवन और जीवन के प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। इसके अलावा DNA 3 सूक्ष्म अणुओं में शामिल एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय कहाँ ले जाया गया? इसके चार ऑप्शन है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर तिरुवनंतपुरम में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में ले जाया गया। इसरो की बात करें
तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु इसकी स्थापना 1962 में एक भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई जिसकी अनुशंसा पर वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसके चार ऑप्शन है, मुंबई में, गुजरात में, असम में या फिर कर्नाटक में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। यहां देश के पहले भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय यानी कि NMIC का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए किस लंबाई मात्र का प्रयोग करते हैं? इसके चार ऑप्शन है, पेटामीटर का, पारसेक का, प्रकाश वर्ष का या फिर हब्बल लंबाई का। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पारसेक का। खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। पारसेक की बात करें तो पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई यानी कि 8 सेकंड से बना है। एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब वो पिंड एक 8 सेकंड के दिग्भेद कोण पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने किस सिद्धांत की खोज की थी? इसके चार ऑप्शन है, चाओ सिद्धांत की, अल्फा प्रभाव की, गोल्डन मीन की या फिर रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की। दमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की खोज की थी। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी का प्रयोग दमित्री मेंडलीफ उन तत्वों के गुणों का पता भी लगाया था जिसकी उस समय तक खोज नहीं हो सकी थी। मेंडलीफ ने रसायन सिद्धांत नाम से एक पुस्तक लिखी जिसका अनुवाद सभी प्रमुख भाषाओं में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था जिसे इसी के नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। यह सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्तुपुतीन यान से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? इसके चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर सी राजगोपालाचारी को। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सी राजगोपालाचारी को। वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में भारत छोड़ने से पहले अपने उत्तराधिकारी वल्लभ भाई पटेल के पश्चात दूसरी पसंद के रूप में राजगोपालाचारी का चयन किया। ये भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन है, आनंद दूधवाला को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, त्रिभुवन दास पटेल को, करसन भाई पटेल को। आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो इन्हें ऑपरेशन फ्लड के रूप में भारत में विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास योजना को कार्यान्वित किया। 1998 में इस क्षेत्र में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। कुरियन की भारत का दूत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? इसके चार ऑप्शन है, 2005 में, 2014 में, 1978 में या फिर 1991 में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1991 में। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ सन 1991 में हुआ था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया। वे नीतियां जो अंतर्मुखी थी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वर्चस्व वाली थी। 1980 के दशक में हल्के से आर्थिक उदारवाद ने प्रति व्यक्ति जीएनपी की विकास दर को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन और हॉब्स किसकी कॉमिक रचना है? इसके चार ऑप्शन है, बॉब मार्ले की, टेक्स अवेरी की, चुक जोन्स की या फिर बिल वेटरसन की। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बिल वेटरसन की। केल्विन और हॉब्स बिल वेटरसन की कॉमिक रचना है। केल्विन और हॉब्स अमेरिकी कार्टूनिस्ट बिल वेटरसन द्वारा रची दैनिक में प्रकाशित होने वाला एक कॉमिक चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है, 18 सितंबर को, 25 अगस्त को, 22 अप्रैल को या फिर 7 मार्च को। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है, लेकिन अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का आर्थिक रूप से पिछड़े सब वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। 2019 का आर्थिक रूप से पिछड़े सब वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य गुजरात है। गरीब सब वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान हो गया है। गुजरात ये प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले SSC CSL 2019 के GK Practice Set 7 में। तब तक के लिए थैंक यू।